हालेलुया प्रभु मसीह की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सब जन परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, तालियां बजाकर यीशु मसीह की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु मसीह की तारीफ करें, प्रभु मसीह की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद करें हर एक जन परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके सम्मुख में यीशु की तारीफ करें। बोले, नया दिन दिखाया परमेश्वर, नया जीवन दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें हमारी आज्ञा के चलते हमारी अगुवाई करता है, बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें और बोले कि परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। बोलो परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। यीशु मसीह मेरा हाथ कभी ना छोड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और मुझ पर दया करता है, और उसके मैं दया में बने रहूंगा, क्योंकि उसकी दया के द्वारा मैं बचाया गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्षमा करने वाला परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सहायता करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। छुड़ाने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। चंगा करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में प्रकाश देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन थैंक्स करे, यीशु की महिमा करे, यीशु की तारीफ करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर की स्तुति करे, यीशु मसीह की महिमा करे, क्योंकि वो अद्भुत है, वो सामर्थी है, वो छुड़ाने वाला है, वो महिमा में परमेश्वर है। धन्यवाद करें हर एक जन, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम का धन्यवाद करें। वो अद्भुत युक्ति करता है, वह सामर्थी परमेश्वर है, उसके परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रे बेके ते नम शतर ले बेके दी रे बगदी रा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें आज उस जो प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया, रीति रिवाजों से, हर एक परेशानी से, दर्दों से, प्रॉब्लम से, बीमारी से प्रभु ने चंगा किया और आजाद किया, स्वतंत्र कर दिया। खुशी हो जाए, खुशी मनाए, आनंदित हो जाए, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह की तारीफ करें, कोई चुप न रहे, हर एक जन अपने मुँह से प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। ओ प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारी जो मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हम पर जो दया करता है, अनुग्रह करता है, सुरक्षित रखता है, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है, वो अनुग्रहकारी और विलंब से कुप करने में अति करुणामय परमेश्वर है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आइए हम सभी परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 5 अध्याय और उसके पहले वचन में हम पढ़ेंगे, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। परमेश्वर का वचन क्या है, याद रखो कि उसने हमें स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। अब परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है और कहता है कि इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। फिर से पाप के भागे ना हो, फिर से प्रॉब्लम में ना जाओ, फिर से उन चीजों में ना जाओ। परमेश्वर में बने रहो, अड़े खड़े रहो, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। प्रभु मसीह की तारीफ और प्रभु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, जब हम उद्धार पा चुके हैं, नया जीवन पा चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन वो कहता, हमसे बातें करता, कहता है कि अब दासत्व के जुए में ना जूतो, फिर से पाप में ना जाओ,
क्योंकि इससे कुछ लाभ नहीं। लेकिन क्या होता है, क्या होता है हमारे लाइफ में, वही सारी सारी चीजें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो मदद करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। धन्यवाद करें, हालेलुया, याद करो जब परमेश्वर ने आपको उद्धार के नया जीवन दिया। हालेलुया, आज परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में और धन्यवाद करें, कहें कि परमेश्वर आपने मुझे चुन लिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे छुड़ाया है, धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे बदल दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको याद है कि जो प्रभु ने मैं स्वतंत्र किया है, आजाद किया है, पाप से की गुलामी से निकाला और दलदल की कीचड़ से निकाल दिया, अपने लहू से मैं धो दिया, हमें साफ कर दिया और उसने चट्टान पर हमें खड़ा किया है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। उसने हमें चट्टान पर खड़ा किया है और हमें ब्लेस करना चाहता है, हमें नया जीवन से भरना चाहता है। लेकिन फिर से जब आप उसी दलदल में जाते हो तो परमेश्वर कहता है दो मार्ग है, देख लो तुम्हें क्या करना है। क्योंकि प्रभु ने हमें बात क्या बताया कि ये मार्ग है, तुम्हारे कानों में आवाज आए सुनाई देगा, मार्ग यही है और इसी पर चलो। इसलिए ये जब आपको जब परमेश्वर दर्शन देता चर्च के बारे में, या परमेश्वर कहता कि जा परमेश्वर के भवन में जा, प्रार्थना कर, स्तुति कर, तो परमेश्वर वो पवित्र आत्मा को भेजता और वो आपसे बातें करता और कहता है कि क्योंकि प्रभु की लाइफ को ब्लेस करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है ताकि आप नाश ना हो, लेकिन संगति करो, संगति के द्वारा आपका लाइफ बचाए जा, ब्लेस्ड हो। और परमेश्वर आपके लाइफ पे अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन तभी काम करता है जब एक आप परमेश्वर के निकट आते हो, तभी काम करता है जब आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हो, परमेश्वर अपना जीवन प्रभु को देते हो और अब आपको उद्धार मिल चुका है, अपने जीवन पा लिया, तो उसी के उद्धार को कामों को पूरा करते जाते हो। मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। मसीह ने क्या कर दिया, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम इसी में स्थिर रहो, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, प्रभु में, हालेलुया, आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन कहता अब पीछे ना हटो, अब जो गलत काम छोड़ दिया था अब उसे दोबारा फिर से ना करो, फिर से अब उसको लेने का काम ना करो। अब आपने थ्रो कर दिया, गलत चीजों को उतार दिया है, पुराने वस्त्र उतार दिए, अब आपको नया वस्त्र पहना दिया क्या है। अब वो वस्त्र, नया वस्त्र आपके लाइफ में बने रहना चाहिए, अब फिर से पुराने वस्त्र को पहनना नहीं है। यदि पुराना फिर से पहनोगे तो फट जाओगे, बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि परमेश्वर का वचन ही तो कहता है कि पुराने वस्त्र पर जब पैबंद लगाते तो क्या होगा, वो फट जाएगा, पर जब नया में सब कुछ करोगे तो बेस्ट होगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए वो स्थिर नहीं रह सकता, वो बना नहीं रह सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? जो लोग अपने उद्धार को भूल जाते, अपने कर्ता को भूल जाते, अपने यीशु परमेश्वर को भूल जाते, जिसने आपको उद्धार किया, जिसने छुड़ाया, आपको चंगा किया, आपको आजाद किया, आज कई लोग भूल गए हैं। हालेलुया, फिर से आप उसी पाप में गिरते हो जाते, फिर से वही काम करते, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप फिर स्थिर न रह पाओगे, फिर आप कैसे चल पाओगे। इसलिए परमेश्वर में आए, स्थिर रहो और तब उन आशीषों को लो जो प्रभु आपसे आपको देने का वायदा किया है, आपको देना चाहता है। इसलिए हर जन परमेश्वर के प्रेजेंस में उसकी स्तुति और दूरवाणुवाद करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, कहें कि परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख में है, मेरी लाइफ सीमन रहेगी। हाँ परमेश्वर पिता, मैं तेरी स्तुति और धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ, क्योंकि आप सामर्थ्य परमेश्वर है और मेरे जीवन में सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन थैंक्स करें, हर एक जन धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो मददगार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, रब खते ने मेशे तेरे डेबे के तेरे लबक तेरा और रब से तेरे मेशे तेने मेके तेरे डेबे के तेरे लबक तेरा और रब खते ने मेशे तेने मेके तेरे लबे के तेरे डबक तेरा। ओ धन्यवाद यीशु प्रभु, शूले शूले, जो लोग पीछे हट गए परमेश्वर में वो वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दर दर भटक रहे उनको सही रास्ता दिखा परमेश्वर, जो यीशु को नहीं जानते लेकिन वास्तव में उनको यीशु मसीह की जरूरत है, जो उनके लाइफ में, उनके जीवन में काम कर। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन को तोड़ दे, हर एक दुष्ट आत्मा को खत्म कर दे, मदद और सहायता करो, अनुग्रह और शांति से भर दो। उर्रब सत्य नमशते इन्ने में शेतेले बेके तेरा लबक तेरा डबे के तेरा लबे शेते नमक तेरा डबक तेरा उर्रब कते नमे शेते रडबे के तेरा लबे के तेरा उर्रब कते नमे शेते नमक तेरा। प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, हर एक जन को शूले ब्लेस कर। जो लोग बीमार हैं आज बोले आज से मैं बीमार नहीं रहूंगा, बोलो आज से मैं स्ट्रगल वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं परमेश्वर में आ चुका हूँ, अब मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, अब यीशु मसीह मेरा इलाज करेगा, मेरे घावों को चंगा करेगा, मुझे छुटकारा देगा, मुझे नई जिंदगी देगा, मुझे ब्लेस कर देगा। मैं प्रार्थना करती जो बीमार है, मैं प्रार्थना करती ठंडी दुष्टात्मा के काम आपके लाइफ से खत्म हो जाए। हर इधर उधर की बातें जो आपको डिस्टर्ब करती, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा शुए, जो सच में परमेश्वर
के काम करने के लिए निकले, परमेश्वर आपको शुर आजाद करे। ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ बीमारी से आजाद हो जाए, हर दुष्ट आत्मा के काम से आजाद हो जाए। जो मन में आपके रोग लगे, इधर उधर की चीजें, जो इधर उधर की बातें डिस्टर्ब करती, परेशान करती, जिसकी वजह से प्रार्थना नहीं कर पाते, परमेश्वर आपकी निराशाओं को दूर करे। परमेश्वर आपके इधर उधर की दूषित मन को दूर करे। परमेश्वर आपको एक मन दे और नया करते, परमेश्वर आपको नया मन दे, परमेश्वर आपको नया कर दे, परमेश्वर ने ब्लेस कर दे, और प्रभु में के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर का आत्मा शुए, हर एक जनों को शुले जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे, सुन रहे, परमेश्वर का आत्मा शुए और आजाद हो जाए और गवाही के साथ खड़े हो। परमेश्वर का आत्मा इनके लाइफ में जुम्बश करे, तैयार करे, अनुग्रह दे, शासन करे। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ की बात इनके लाइफ से खत्म हो जाए, झूठ की बात इनके जीवन से खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर, क्षमा कपड़े लाओ, से दोष शुद्ध कर, पाकर पवित्र कर, और इनके जीवन सब कुछ ठीक कर, पूरा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु। पाप का धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर पिता, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक बीमारी चाहे, हर एक पुरानी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, हड्डी के दर्द चाहे, कैंसर की बीमारी चाहे चाहे चाहे, मैं प्रार्थना करती शुगर के स्पिरिट चाहे, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घुटने के रोग और दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आपके पेट के दर्द रोग से आजाद हो जाए, आपके कानों के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी आपके लाइफ का छोड़ के जब आपकी परेशानी जाए जाए जाए। और रब कहते नम सत्य रे बेगे तेरे बेगे तेरे रे बेगे तेरा ओ नम सत्य नम कत्ते रे बेगे तेरे रे बेगे तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा शुद्ध जुम्बस करे, ब्लेस करे, बंधन तोड़ दे। यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं इनके लाइफ को, परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं। हालेलुया, जो कंसीव किए हुए परमेश्वर ने ब्लेस घोषणा करती हूँ। ऑपरेशन कैंसिल हो, मिस कैरेज कैंसिल हो प्रभु, इनके जीवन में जो भी कमी है परमेश्वर पिता सबको सही करना, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया प्रभु जी, जो कंसीव जो नहीं किया अभी तक, परमेश्वर कंसीव करने के लिए मदद कर। सिस्टर को, बहनों को प्रभु तेरे हाथ में देती, ब्लेस घोषणा करती, मिस कैरेज को कैंसिल करती हो, इनके लाइफ ऐसा कुछ मदद कर, सहायता का ब्लेस घोषणा करती हो। हर एक बंधन टूटे, शैतान के चला के आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, बोझ खत्म हो जाए, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु छुटकारा देती है। धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, जिनके अभी तक बेबी नहीं, प्रभु उनको बेबी के साथ ब्लेस कर, जो प्रेगनेंट उनको ब्लेस कर, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति इनके लाइफ में, सब कुछ बोझ उठा चला। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके घर द्वार में ब्लेस कर, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, बिखरा हुआ परिवार जुड़ जाए, एक हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके लाइफ आशीषित होकर बदल जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए। हालेलुया, ओ रब खत नम शति रडे बेगे तिरले बेगे तिरले बेगे तिरले रब शत नम कति रडे बेगे तिरा ओ नम सत नम कति रडे बेगे तिरले बेगे तिरा। परमेश्वर का आत्मा शुए, परमेश्वर का आत्मा शुए, परमेश्वर का आत्मा शुए, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, शांति दे। इनके जॉब को ब्लेस कर, इनके काम को ब्लेस कर, जिनके जॉब खतरे में प्रभु सुरक्षित करती, शिकिला में कवर करती, रेस्टोर करती, वापस इन्हें इनके जॉब के साथ ब्लेस करती परमेश्वर पिता। शुले इनके काम ब्लेस्ड हो, काम चलने लगे, इनके बिजनेस शॉप दुकान ब्लेस्ड हो, हर प्रकार के बिजनेस ब्लेस्ड हो, जो सचमुच परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कर रहे हैं। आप किए जाए, आपको किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो, प्रभु आपकी लाइफ में सब कुछ पूरा करके दे। परमेश्वर कड़े खड़े करे, मदद करे, सहायता करे, ब्लेस घोषणा करे। सारी प्रार्थना को सुनिए, शब आपका धन्यवाद करते और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अपनी महिमा दिन कर तैयार कर और दिन प्रतिदिन आशीष करके चला दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी मदद, तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। हरे बच्चों को शुले ब्लेस कर, मैं प्रार्थना करती बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करते इनके काम को ब्लेस किया, धन्यवाद करते इनके जीवन को ब्लेस घोषणा करती। हालेलुया, हर दर्द से आजाद किया, धन्यवाद करती, छुटकारा दिया, धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता करो, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे, यीशु के समर्थन में जहाँ जहाँ जाते सतुत्व के बारे में रखती हूँ, इनके संगो साथ रहना, मदद और सहायता करना। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद कर, सहायता कर, यस लॉर्ड, आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना परमेश्वर पिता। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहे हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, गवाही देना ना भूले, अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।